हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी घर पे ही बादाम शेक कैसे बनाएं। कड़कती धूप और गर्मियों में कुछ ठंडा पीने का मन करे तो ये बादाम शेक आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 2 लीटर दूध, आप जितना चाहे ले सकते हैं, और थोड़ा सा दूध साइड में निकाल के रख दीजिए। जब तक ये दूध उबलता है तब तक हम बादाम छील लेते हैं। ये 1 कटोरी बादाम है जो मैंने रात को भिगो के रखे थे। हमें ओवरनाइट सॉफ्ट आमंड यूज़ करने हैं। बादाम को रात भर भिगोने से ये सॉफ्ट बन जाते हैं और हम इसके छिलके आसानी से उतार सकते हैं, इसलिए हम इसे रात को भिगो के रखते हैं। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हमने सारे बादाम के छिलके उतार लिए। अब इसे हम बारीक पीस लेंगे। मैं इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा दूध मिला के आधा दूध मैं बाकी रख दूंगी और इसे मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी और इसकी प्यूरी बना लूंगी। दूध अच्छे से उबल चुका है, अब हम इसमें ये मिक्सर ऐड कर देते हैं। ये मिक्सर ऐड करके तुरंत ही इसे मिला देना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अब एक बर्तन में थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ले लीजिए। मैं यहाँ 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। आपको जितना गाढ़ा रखना है आप उतना कस्टर्ड पाउडर लीजिए, लेकिन ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो वो ज़्यादा गाढ़ा बन जाएगा। तो मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसमें थोड़ा सा दूध मिला के इसका अच्छे से घोल बना लेना है। ध्यान रहे इसमें कोई भी लम्ब्स ना बने। मैं इसमें दूध मिला के बहुत अच्छी तरह से इसे मिला रही हूँ। अब दूध उबल के बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। देखिए दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है। अब मैं इसमें कस्टर्ड मिला रही हूँ जो हमने बना के रखा था, और इसमें 1/2 कप चीनी यानी कि शुगर मिला रही हूँ। अगर आप शुगर नहीं खाते तो आप यहाँ पे कोई और स्वीटनर भी यूज़ कर सकते हैं। कई तरह के स्वीटनर मिल जाते हैं। गैस का फ्लेम मैंने हाई ही रखा है ताकि ये जल्दी बन जाए, और मैं इसमें लगातार स्पून चला रही हूँ ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से उबाल लीजिए ताकि इलायची पाउडर का फ्लेवर इसमें अच्छे से उतर जाए और दूध और ज़्यादा गाढ़ा बन जाए। ये जितना अच्छा गाढ़ा और अच्छा येलो बनेगा उतना ही अच्छा लगेगा। अब मैंने इसे फ्रिज में रख के चिल कर लिया है और अब हम सर्व करेंगे। आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं या फिर 7-8 घंटे फ्रिज में रख के भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे सर्व करने के बाद मैं ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी गार्निशिंग के लिए। आप यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम ही ऐड किया क्योंकि ये बादाम शेक है। तो आप भी इस तरह से इजीली घर पे बादाम शेक बनाइए और इंजॉय कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।